फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज मालवनी पुलिस स्टेशन को मिली बड़ी कामयाबी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने 26 तारीख को एक वीडियो चलाया था जिसमें राजू कनौजिया नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में आरोपी जो था वो फरार हो गया था। राठौड़ी के इलाके में यह मर्डर हुआ था, मलाड वेस्ट में। मालवनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये एरिया आता है। मालवनी पुलिस ने उस आरोपी को अरेस्ट किया यूपी जाकर। आइए जानते हैं पूरा मामला डिपार्टमेंट से। वन सॉल्यूशन फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होंगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें। एक हफ्ता पहले आरोपी फरार हो गया, उसके बारे में जो ये जो घटना है, ये 25 तारीख को रात में 12:30 बजे जो घटना हुई, इसमें आरोपी ने जो उसके मौसम का मर्डर किया, जो खून किया था, उसके बाद वो फरार हो चुका था। तुरंत जैसे ही घटने की मालूमत मिली, जानकारी मिली, उस टाइम पे हमने आरोपी के लिए 3 पथक बनाए थे पुलिस स्टेशन के लेवल पे। ये घटना किधर हुई थी सर? ये घटना सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी ओमजी कंपाउंड मारवे रोड मालवनी, यहाँ पर हुई थी। राठौड़ी गांव। जैसे आरोपी मर्डर करके फरार हो गया था, उस टाइम पे हमने पुलिस स्टेशन के लेवल के माननीय डीसीपी सर जोन 11 के अंडर और एसीपी साहब के गाइडेंस के अंडर और सीनियर पीआई के गाइडेंस के अंडर 3 अलग अलग टीम बना के जो सब मुंबई परिसर के जितने भी रेलवे स्टेशन में ढूंढा, मालवनी परिसर में ढूंढा, नालासोपारा में ढूंढा, दहीसर में ढूंढा, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला था। उसके बाद आरोपी का जैसे मोबाइल फ़ोन या जो बातमीदार की इस मदद से हमने आरोपी को जौनपुर उत्तर प्रदेश यहाँ से डिटेक्शन ब्रांच के जो ऑफिसर है, जो टीम है, उनको वहाँ पर भेज के उन्होंने आरोपी को लाया है। आरोपी का नाम क्या है और उसके साथ और भी कोई शामिल था? आरोपी का नाम ये है, किस सुल्तान मेहताब शाह है, उसकी उम्र 19 साल की है। और उसके साथीदार अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चालू है, फिलहाल तो एक ही आरोपी है जो अरेस्ट हो चुका है 6 तारीख को। वजह क्या थी मर्डर का? मर्डर की वजह यह थी कि जो उसके मौसा ने जो जिसका खून हुआ, वो उसने उनमें उसके रिलेटिव की वजह से उनका झगड़ा हुआ हो चुका था पहले। उसके बाद में उसी वो पूछने के लिए आरोपी के पास गया था, तो वहाँ पर उसने उनके दोनों में झगड़ा हो के फिर उन्होंने उसके गाल के ऊपर 5-6 चमाट मारे थे, इसलिए उसको गुस्सा आया था आरोपी को, और गुस्से में वो चाकू से लेके उसका मर्डर कर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है या अभी भी कुछ पेंडिंग में? तहकीकत जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी भी जुडिशल रिमांड में है या फिर आपके अरेस्ट? अभी पुलिस कस्टडी रिमांड में है आरोपी की, कल फिर से कल कोर्ट में हाजिर करने वाले हैं।